बुधवार को लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय बॉस शोध संस्थान में एमडीवीटीआई इंडिया की 11वीं स्थापना दिवस के मौके पर सफलतापूर्वक योग तरंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि आरपी सिंह जी के दीप प्रज्वलित करने के पश्चात कार्यक्रम में 19 प्रदेशों के सैकड़ों योग शिक्षक शिक्षिकाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। योगक्रम के निदेशक श्री आरपी सिंह जी ने कार्यक्रम में योग के महत्व, भविष्य और आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। संस्था के उपनिदेशक श्री मनीष प्रताप सिंह जी ने योग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज देश के हर व्यक्ति को अपने जीवन में योग अपनाना चाहिए। मनीष जी ने 15 संकल्प लिए जिनसे देश और विदेश में योग के मूल स्वरूप को पहुंचाकर भारत को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य है। योग गुरु ज्वाला जी ने योग से जीवन बदलने के मंत्र दिए। सर्वेश मिश्रा ने बताया कि कैसे हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किस तरह से युवा पीढ़ी को भी योग के साथ जोड़ सकते हैं। योग गुरु सत्येंद्र मिश्र जी ने हठ योग पर प्रकाश डालते हुए सभी योग को सर्वश्रेष्ठ बताया। योग शिक्षक अमृता जी, विकास सिंह जी और संस्था के योग से जुड़े छात्रों और छात्राओं ने कई शानदार प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को और भी भव्य बनाया। समान समारोह में सबसे पहले योग के क्षेत्र में लखनऊ में अलख लगाने वाले योग गुरुओं का सम्मान किया गया, जिसमें सत्येंद्र मिश्रा जी, मालविका जी, ज्वाला जी, अमृता जी आदि मुख्य लोग भी शामिल रहे। इसके बाद देश के कोने कोने से आए योग शिक्षकों, योग केंद्र निदेशकों, योग विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित भी किया गया। लखनऊ से इंडिया 24/7 लाइव टीवी संवाददाता निशांत सिंह की रिपोर्ट। इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिस तरह से योग के आज बहुत ही योग टीचर, शिक्षक जो भी आए हुए हैं उनका सम्मान समारोह कर रहे हैं, उनके बारे में आप योग के बारे में क्या आप कहना चाह रहे हैं? मैं पूरे देश के युवाओं से विशेषकर आह्वान करता हूं कि आप सब योग से जुड़िए, क्योंकि योग से जुड़े बगैर हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। देश के स्वास्थ्य के लिए योग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और देश को, भारत को सबसे ज़्यादा इसके वर्किंग मैन पावर को आज योग की आवश्यकता है। तो मैं आह्वान करूँगा कि देश के सभी युवा योग से ज़रूर जुड़ें। जिस तरीके से सरकार भी इस चीज़ मुद्दे को हमेशा उठाती रहती है, योग दिवस भी एक बहुत बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है कि जब तक देश की युवा आबादी या दिवस देश की आबादी स्वस्थ नहीं होगी, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। अगर हमको इंडिया को भारत के तौर पे अगर खड़ा करना है तो हमें ये ज़रूरी है कि हम योग को सबसे पहले खड़ा करें, जन जन तक योग को पहुंचाएं, जन जन तक योग की लहर को पहुंचाएं। जिस तरीके से आपका संगठन, आपका संस्था काम करता है, उस संस्था में जुड़ने के लिए या लोगों के, अभी सर बता रहे थे, मैं देखा सुना हूँ कि सर बता रहे थे कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों वो आ सकते हैं, क्या कैसे आपके वहाँ प्रक्रिया है? बेसिकली हमारी जो संस्था है योग कुलम और एमडीबीटी इंडिया परिवार, वो इस तरीके से काम कर रहा है कि देश में योगा के टीचर्स को हम तैयार करते हैं। पिछले 11 वर्षों में हमने पूरे देश में 37,000 से ज़्यादा योगा टीचर्स तैयार किए हैं, जिसके माध्यम से हम लाखों लोगों तक योग की मुहिम को पहुँचा पाए हैं। एक्चुअली हम पूरे देश में योग टीचर तैयार कर रहे हैं, तो इसका प्रोसेस सिंपली ये है कि आप हमारे साथ में आकर के हमारी संस्थान से योग के टीचर बनने की ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसमें कोर्स कर सकते हैं और अपना भविष्य भी योग के क्षेत्र में बना सकते हैं। सबसे जो खास बात है योग के विषय में वो ये है कि योग एक ऐसा करियर का विकल्प है जिसमें समय कम लगेगा, जिसमें करियर के ऑप्शंस बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और पैसे भी बहुत कम लगेंगे। जैसे योग के जो भी टीचर है, जैसे आपसे कांटेक्ट करने के लिए, चाहे आपसे मिलने के लिए, कैसे उन संबंधों का परिचय? अगर हमारी संस्था के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं या हमारे साथ में कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप लखनऊ, हमारी हेड ऑफिस है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं विकास नगर में, और इसके अलावा हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 1800-891-9232, या फिर हमारी वेबसाइट www.mdbtindia.org विजिट करके आप हमारे कोर्सेज और हमारी संस्थान से जुड़ने के लिए केस मुहिम में आप जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश वासियों को आज क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश के वासियों को क्या, मैं पूरे देश को से आह्वान करूँगा कि योग से जुड़िए, क्योंकि योग ही वो माध्यम है जिससे हम अपने भारत को आगे ले जा सकते हैं। और वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सबसे पहले शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और उन्नति की ज़रूरत है। जब तक वो उन्नति नहीं आएगी तब तक हमारा देश, और देश की बात छोड़िए, हम स्वयं भी उन्नतिशील नहीं हो सकते, ग्रोथ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से तो मैं बस यही आह्वान करूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे यहाँ से कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लाए जाएँ, उनको कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में अगर जगह मिल सके तो
बच्चों की बड़ी मदद हो जाएगी इससे, और कहीं ना कहीं बच्चों को उत्साह मिलेगा, बच्चों का उत्साहवर्धन होगा और वो योग कोर्स के प्रति आकर्षित होंगे। आगे की आपकी और क्या प्लानिंग है? अभी अगले 2024 तक हमारा लक्ष्य है कि देश के हर एक राज्य में MDVT इंडिया और योग कुलम परिवार स्थापित हो जाना चाहिए। 2025 के बाद में हमारा काम होगा योग को विश्व स्तरीय बनाने का, यानी कि हम योग, भारत का जो मूल स्वरूप योग है, इसको पूरे दुनिया में लेकर के जाना चाहते हैं। तो 25 के बाद मैं चाहता हूं कि ये भारत की बात ना रहे वसुधैव कुटुंबकम की तरह, योग कुटुंबकम हो और योग कुलम उसमें एक महारत हासिल करे, उसमें झंडा गाड़ने का काम करे, भारत का नाम रोशन करें हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।